हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं आज आप लोग के साथ अपना वीकली पैम्पर डे रूटीन शेयर करूंगी। मैं सप्ताह में एक बार अपने बालों को और अपने बॉडी और फेस स्किन को पैम्पर करती हूं, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले पैम्पर की शुरुआत होती है मेरे ऑयलिंग से। नहाने से 2 घंटा पहले मैं ऑयलिंग करती हूँ। तो मैं यहाँ पर वर्जिन कोकोनट ऑयल और ये ऑलिव ऑयल दोनों को मिक्स करने के बाद इसे डबल बॉइलिंग प्रोसेस की हेल्प से इसे गर्म कर लेती हूँ, ताकि मेरे जो ऑयल है वो अच्छी तरह से स्कैल्प पे अप्लाई कर सकूँ। उसके बाद ऐसे इस तरह से पार्टीशन कर करके मैं ऑयल को पहले अप्लाई कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसे मसाज करती हूँ और फिर मैं अपने रूट्स पे अप्लाई करने के बाद मैं इसे बालों के एंड्स पे भी अप्लाई करती हूँ, शुरुआत से लेके एंड्स में, और धीरे धीरे मसाज भी करते जाती हूँ। और जो भी ऑयल बच जाता है उसे मैं इस तरह से डुबा के अपने जो भी कंटेनर है उसमें डुबो के जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो मैं अपने एंड पे अप्लाई कर लेती हूँ। उसके बाद लगभग 5 मिनट तक अपने फिंगर टिप की हेल्प से इसे मैं मसाज करते रहती हूँ, ताकि ये अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए। अब मैं इसे उसके बाद मैं अपने बालों को क्लच कर लेती हूँ और 2 घंटा ऐसे ही छोड़ देती हूँ। लगभग 2 घंटे के बाद मैं अपने बालों को सिर्फ बालों को मैं वॉश कर रही हूँ। मैं यहाँ पर डव का शैम्पू ले रही हूँ, उसे मैं अच्छी तरह से अपने बाल को अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी और ये स्कैल्प मसाजर की हेल्प से स्कैल्प को भी मैं क्लीन कर लूँगी। इससे अच्छी तरह से बाल क्लीन हो जाते हैं और मसाज भी हो जाता है। फिर जो भी एक्स्ट्रा डर्ट वगैरह है या आपके बाल में डैंड्रफ वगैरह है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एम कैफीन का स्कैल्प स्क्रब ले रही हूँ। उससे मैं सिर्फ अपने स्कैल्प पे स्क्रब करूँगी फिंगर टिप के हेल्प से, और अगेन मैं शैम्पू करके इसे अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। उसके बाद मैं इसे एक माइक्रोफाइबर टॉवल की हेल्प से रैप कर लूँगी और फिर मैं बालों पे अप्लाई करूँगी मास्क। तो मुझे मास्क लगाना होता है, इसलिए मैं पहले अपने बालों को वॉश कर लेती हूँ, ताकि मास्क मैं बालों पे थोड़ी देर लगा के छोड़ सकूँ। ये मैंने मास्क लिया है, नायका से मैंने लिया था, तो इसका बस थोड़ा सा क्वांटिटी लेना है और अपने बालों को के लेंथ से लेके एंड तक अप्लाई करना है, और फिर इसे इस तरह से अप्लाई करते जाना है अपने बालों पे। मैं अपने बालों पे इस तरह से अप्लाई करती हूँ और जो थोड़ा सा और मैं हाथों पे लेके और अपने क्राउन सेक्शन एरिया के हेयर पे भी अप्लाई कर लेती हूँ, और फिर मैं इसे क्लच करके छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं तब तक अपना स्किन केयर करती हूँ जब तक ये मास्क मेरे हेयर पे रहता है। तो सबसे पहले मैं शेविंग करूँगी। मैंने 2 वीक से लगभग शेविंग नहीं की है, तो मैं यहाँ पे पहले एलोवेरा जेल अप्लाई करूँगी, फिर मैं सैनफे का फेस रेजर ले रही हूँ। इसे मैं अपने पूरे फेशियल हेयर रिमूव कर लूँगी, फोरहेड और फेस के हेयर को, और इनफैक्ट मैं अपने नेक के भी हेयर को इसी से रिमूव कर लेती हूँ, ताकि जो भी डर्ट वगैरह और डेड स्किन है सारे अच्छे तरह से निकल जाए। तो जब तक मैं क्लीन कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, मैं इसी तरह की वीडियो लाती रहूँगी। उसके बाद मैं स्क्रब करूँगी। उससे पहले मैं वाटर स्प्रे कर ले रही हूँ, ये न्यूट्रोजेना का स्क्रब है। इसे मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी और रब करूँगी। बहुत ही हल्के हाथों से रब करना है, नोज़ एरिया पे मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करूँगी क्योंकि ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स इसी से आते हैं। उसके बाद मैं इसे रिमूव कर लूँगी, अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी, और उसके बाद नेक्स्ट बारी है मेरी मास्क लगाने की। तो यहाँ पर मैं डॉट एंड की का इल्यूमिनेटिंग D10 मास्क अप्लाई कर रही हूँ। इसे मैं पूरे फेस पे और नेक पे अप्लाई करूँगी, ताकि फेस और नेक एक जैसा लगे। उसके बाद जब तक ये सूख रहा, मैं अपने पैरों का केयर कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे गर्म पानी ले रही हूँ, इसमें एक कोई भी शैम्पू मैं यूज़ करूँगी, उसे डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, और एक फुट स्क्रबर की हेल्प से जो भी मेरे एड़ियों के डेड स्किन हैं उसे मैं रिमूव करूँगी इस तरह से रब करके। अब बारी है शावर लेने की। तो शावर लेने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फियामा का बॉडी वॉश है। इसे मैं एक लूफा पे लेके अच्छे से लेदर कर लूँगी और पूरे बॉडी को इस तरह से वॉश करूँगी, इससे बॉडी स्क्रब भी हो जाती है। नेक्स्ट है स्क्रब के बारे। तो ये डव का बॉडी स्क्रब है, ये मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि मुझे आज शेविंग करना है, इसलिए मैं स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। मैं अपने हैंड पर हमेशा शेविंग करती हूँ, लेग पर शेविंग नहीं करती हूँ। तो मैं इसे अच्छी तरह से मसाज करने के बाद पानी से क्लीन कर लूँगी, क्लीन करने के बाद मैं शेव करूँगी। तो उसके बाद मुझे शेव करने के लिए कोई भी क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट मैं शेव कर लेती हूँ। ये मैंने 5 का सेट लिया था, इसका कौन सा ब्रांड का है मुझे याद नहीं है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी अफोर्डेबल है, इसे आप काफ़ी बार यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे अपने पूरे हैंड के बालों को अच्छी तरह से रिमूव कर लूँगी, फिर वॉश कर लूँगी, और फिर मैं बॉडी ऑयल यूज़ करती हूँ। मैं यहाँ पे ये
प्लम का बॉडी ऑयल वैनिला फ्लेवर वाला यूज़ कर रही हूँ, उसे मैं पूरे बॉडी पे अपने अप्लाई करूँगी क्योंकि ठंड का मौसम है, बॉडी काफ़ी ड्राई हो जाता है, इसलिए मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद बारी है स्किन केयर को कंप्लीट करने की, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी सबसे पहले टोनर। टोनर के लिए डॉट एंड की का टोनर है। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी सीरम। मैं नहाने के बाद हमेशा ये लॉरियल का सीरम अप्लाई करती हूँ, हल्का सा मसाज करती हूँ ताकि सीरम एब्जॉर्ब हो जाए। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी मॉइस्चराइज़र। मैं नायका का विटामिन सी वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करी, इसमें SPF 15 भी है और मुझे धूप में बैठना है अपने बालों को सुखाने के लिए, तो इसलिए मैं सनस्क्रीन भी यूज़ करूँगी। ये एक्वालॉजिका का सनस्क्रीन है, SPF 50 है इसमें, अपने फेस और नेक पे। और लास्ट में अप्लाई करूँगी लिप बाम, डॉट एंड की का ये टिंटेड लिप बाम है। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने बालों पर सीरम, और फिर मुझे अप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है क्या, लॉरियल का ये लिव इन कंडीशनर। इसका स्मेल भी काफ़ी अच्छा और इससे मेरे बाल काफ़ी हेल्दी दिखते हैं। मैं अभी आपको अपने बाल सूखने के बाद दिखा दूँगी किस तरह से दिख रहा है मेरे बाल। उसके बाद मैं एक वुडन कॉम की हेल्प से इसे मैं कॉम भी कर लूँगी, बाल बिल्कुल डिटेंगल रहते हैं। और लास्ट अंडर आर्म के लिए मैं यहाँ पे सैनफे का यूज़ कर रही हूँ, सैनफे का सीरम है। उसके बाद देखिए सूखने के बाद मेरे बाल कुछ इस तरह से लगते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट।